इंडियन क्रिकेट टीम के दिल और धड़कन को ये क्या हो गया है यार, दोनों अंडे पे अंडे दिए जा रहे हैं, आई मीन डक पर आउट हुए जा रहे हैं। ये देखकर मेरे अंदर से एक ही बात निकल रही है, छोटी बच्ची हो क्या जो बार बार डक पर आउट हुए जा रहे हो। दोनों में इस बात का कंपटीशन होना चाहिए कि कौन ज्यादा रन मारेगा, पर नहीं, यहाँ तो इस बात का कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बार डक पर आउट हो सकता है और इस सीजन कौन कम रन बना सकता है। खैर मजाक को अगर साइड में रखे तो टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय तो है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीन मेन खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तीसरे खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा। यार पहले क्या बैटिंग करता था, क्या फील्डिंग करता था, इम्पॉसिबल कैच को पॉसिबल बना देता था, और अब इजी कैचेस भी ड्रॉप कर रहा है। क्या यह कैप्टेंसी का प्रेशर है? क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कैप्टन बनने के बाद खिलाड़ी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, पर हार्दिक पांड्या को देखो, इतने दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद आईपीएल में नई टीम का कैप्टेंसी संभाला और क्या गजब का परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे बल्ले से हो या गेंद से। खैर इन लोगों का अभी बुरा वक्त चल रहा है और वक्त गुजरता जरूर है, हम चाहेंगे ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाए। ये बड़े प्लेयर्स हैं, कमबैक करेंगे और अच्छी तरह करेंगे, भरोसा रखिए इन पर। अभी इस बुरे वक्त में उन्हें हम लोगों का साथ चाहिए। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देते हैं, हमें बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों को ट्रोलिंग ना करें, उनके ऊपर मीम्स भी ना बनाएं। अगर आप मीम्स देखते हैं तो लाइक शेयर बिल्कुल भी ना करें। और ये तो आईपीएल है, आईपीएल में जैसा भी परफॉर्म करे कोई मायने नहीं रखता। भरोसा रखिए जब टीम इंडिया के लिए खेलेंगे तो अच्छा करेंगे और ज़रूर अच्छा करेंगे। तो मेरी ओर से इन तीनों को फुल सपोर्ट है और आप लोग भी इस बुरे वक्त में उनका सपोर्ट कीजिए।